क्या कर रही हो शादिया? अबू कपड़े धोने और मशीन खराब हो गई है, बस उसी को फिक्स कर रही हूँ। तो मुझे ऑफिस फोन कर देती ना बेटा, मैं वापसी पे किसी इलेक्ट्रिशियन को ले आता। अब ये तुम्हारे करने के काम तो नहीं है ना। अबू पहले ही देर हो गई थी, इतने सारे कपड़े धोने हैं। मैंने सोचा खुद ही सही कर लूं, और कोई तार का ही मसला होगा, अभी अभी सही हो जाएगी। रहने तो तुमसे नहीं होगा, वैसे ही बिजली के मामले में एहतियात करनी चाहिए। पहली गलती इंसान की आखिरी गलती भी हो सकती है, और खुद इतनी नाजुक सी है, जरा सा छींक भी आ जाए डर के मारे बुखार हो जाता है। ये मर्दों के करने के काम है, इनसे नहीं होंगे। ओहो, एक सेकंड, तुम्हें किसने कहा कि कोई ऐसा काम है जो औरतें नहीं कर सकती? अब इस मशीन को मैं ही फिक्स करूंगी, समझ आइए? ठीक है बच्चों, अगर ये मशीन तुमने ठीक कर ली तो मैं तुम्हें आज अपने पैसे से पिज्जा खिलाऊंगी, और अगर नहीं की तो अगले हफ्ते भी तुम ही मशीन लगाओगी। अच्छा, खामखा लड़ना शुरू कर दिया तुम दोनों ने, मैं भी जाकर इलेक्ट्रिशियन को लेकर आता हूँ। नहीं अब्बू, अब तो मेरी जिद है ये मशीन मैं ही सही करूंगी, वरना इसे बोले कि अपने लफ्ज वापस ले। जूबी, सादिया ठीक कह रही है, मर्द और औरत के इरादे और कोशिश में कोई फर्क नहीं। अल्लाह ताला ने एक जितनी सोच बूझ और समझ दी है। वापस लो अपने अल्फाज। ठीक है अबू, आप कहते हैं तो अपने अल्फाज वापस ले लेती, लेकिन फिर भी आप बुलवा कर ले आए, ये इनके बस की बात नहीं है। बच्ची देखे ना क्या करती रहती है। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं, मैं खुद करूंगी, मैं मुझे पता है ना किस तरह करना है। तंग आ गई मैं तुम्हारे आए दिन के प्रोग्रामों से, क्यों बना लेती हूँ प्रोग्राम जब अब्बू का पता है तो? तो अब्बू मुझे जाने से रोकेंगे? रोकेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी उनसे पूछना तो पड़ेगा ना, इजाजत तो लेनी होगी कि नहीं? तो ठीक है ना, आप पूछ लें, आप इजाजत ले लें, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। कहाँ जा रही हो? वो अब्बू मेरी दोस्त है ना फायजा, उसकी सालगिरह है, सारी लड़कियां जा रही हैं, पर अम्मी कह रही है कि वहां जाने के लिए भी आपसे इजाजत लूं। अब आप सालगिरह में भी जाने नहीं देंगे? नहीं नहीं, जाना चाहिए तुम्हें, कब जाना मुझे बताओ, मैं छोड़ गया था। नहीं नहीं अब्बू, वो आयशा है ना, उसकी अम्मी कह रही थी सारी लड़कियों को वही ड्रॉप करेंगी और वही पिक करेंगी। नहीं नहीं बेटा, किसी और के साथ अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद छोड़ कर आऊंगा। तुम अभी आपने कितनी अच्छी बात की थी कि मर्द और औरत बराबर होते हैं, और अब आप मना कर रहे हैं मुझे अकेले जाने से। ठीक है, मैं देख रही हूँ आप बच्चों की ज्यादा हिमायत करते हैं, और जहाँ मेरी बात आती। अच्छा अच्छा, बस तुम्हारी बात हुई है आयशा की वालदा से? जी नहीं, आपने कहा ही नहीं था। ठीक है, पूछ लो उनसे, और वापसी पे घर छोड़ देंगी ना, ये भी पूछ लेना। जूबी नंबर? हाँ मैं बात करवाती हूँ ना अभी। हाँ जोबी, आयशा अपनी अम्मी से बात करवाना, मेरी अम्मी बात करेंगी। अम्मी से बात क्यों? हाँ वो इजाजत लेनी थी ना इसलिए। पर अम्मी तो घर पे नहीं है। ठीक है मैं वेट कर। क्या करें, जूबी कहाँ फंसवा रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वो आंटी मेरी अम्मी बात करेंगी आपसे, आप प्लीज उन्हें बता दीजिए कि आप ड्रॉप कर देंगी हमें। ओके, ये मुझे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम।